ऐसे ही रिकवरी मिली थी कि वो क्वालिफायर जीत के फाइनल खेलने पहुंच गए थे। ओ सॉरी, ऐसा तो हुआ नहीं था मेरे ख्याल से। आज हम देखेंगे ट्रेंट बोल्ट की इन स्विंगिंग पे जब ट्रेविस हेड लंबे लंबे छक्के मारेंगे जरूर। ट्रेविस हेड तो उन्होंने मन बना लिया कि यार अब नहीं खेलना मैंने, अब मैं सीधा वर्ल्ड कप में खेलूंगा। अच्छे बॉलर्स नहीं मिले खेलने के लिए, पिछले मैच में बैंगलोर का बॉलिंग लाइनअप उतना अच्छा, पूरे सीजन ही उनको अच्छे बॉलर्स नहीं मिले। हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों में। आईपीएल 2024 में आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक तरफ है एसआरएल जो अपने पहले क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स जिसने एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया था। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच में किसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के, आज इसी बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे साथी अर्पित और हिमांशु मौजूद हैं। अर्पित, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है इन दोनों टीमों में किसके ज्यादा चांसेस बन सकते हैं? देखिए, आज डेफिनेटली मुझे लगता है कि एसआरएच की तरफ ही मुकाबला जाने वाला है, क्योंकि जैसे आपने देखा वो पिछला मैच हारे थे और वैसे आज का भी मैच हारेंगे। जिस तरीके से वो खेलते आए हैं पूरे सीजन, मुझे लगता है आज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी फिर से कुछ अपने रंग दिखाएंगे और आरआर को एक शिकस्त देंगे। ये वही रंग देखने को मिलने वाला है जो कि पहला क्वालिफायर जब हुआ था केकेआर के अगेंस्ट, उनका वैसे ही रंग देखने को मिलेगा। जैसा रंग आएंगे पिछले पांच ट्रेंड बोल्ट आएंगे, उनके बाद वो फुटबॉल का स्कोर बनाएंगे और उसके बाद फिर से वही बात होगी, सेम वही जो एसआरएच के साथ चलते आ रहे हैं कि अगर उनके टॉप ऑर्डर फेल होता है तो उनका मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल सकता, वही हमें चीज देखने को मिलेगी। जैसे हमने पिछले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस आज भी आउट होंगे और हेनरिक क्लासेन ने एक रिकवरी दी थी टीम को, ऐसी रिकवरी मिली थी कि वो, पर इस बार फिर ऐसी ही रिकवरी मिली थी कि वो क्वालिफायर जीत के फाइनल खेलने पहुंच गए थे। ओ सॉरी, ऐसा तो हुआ नहीं था मेरे ख्याल से, क्वालिफायर में नहीं पहुंचे, ऐसी रिकवरी थी आज वहां से रिकवर नहीं कर पाए। राजस्थान और वो चेन्नई की पिच पे आते लाएगी, आज जो लगातार चार लीग मैच हारे थे लास्ट के, वैसी फॉर्म राजस्थान की आज वापस, राजस्थान ने वापस जीतना चालू कर दिया है। रन के लिए जाएंगे और बैटर्स रन नहीं बना, मैं बता रहा हूँ, आरआर ने वापस मैच जीतना चालू कर दिया और चबो के पिच पे यजुविंदर चहल और रविचंद्र अश्विन, ये ऐसे दो बॉलर्स हैं जो कि मिडल ऑर्डर जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, पहले आके ट्रेंट बोल्ट विकेट लेंगे उसके बाद मिडल ऑर्डर में ये दोनों रन नहीं लेंगे। जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट ही नहीं होंगे तो मिडल ऑर्डर की यार दो मैचेस से बात हो रही है, ये पिछले दो मैचेस से बात हो रही है, पंजाब के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था आज जरूर चले। ट्रेविस हेड तो उन्होंने मन बना लिया कि यार अब नहीं खेलना मैंने, अब मैं सीधा वर्ल्ड कप में खेलूंगा, अब मैं वैसे ही आउट होगा। जैसे एक तरीके से पहले मैच में अर्शदीप ने आउट किया था पंजाब के अगेंस्ट जो मैच होता, उसके बाद आके अभी मिचेल स्टार्क ने आउट किया और आज के मैच में ट्रेंट बोल्ट आपको आउट करते हुए उनको नजर आएंगे। आज हम देखेंगे ट्रेंट बोल्ट की इन स्विंगिंग पे जब ट्रेविस हेड लंबे लंबे छक्के मारेंगे लॉन्ग ऑन की तरफ, आज हमें वो देखने को मिलेगा। और ऐसा लंबा छक्का होगा कि उनका जो फुटप्रिंट्स होगा, मैं बताता हूँ, जैसे मैक्सवेल के ऊपर मैंने बात की थी कि उनका फुटप्रिंट्स ऐसा बन चुका है कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और ट्रेविस हेड भी उसी राह पे आएंगे और उसी राह पे जाएंगे। लेकिन जो ये निकलने की बात की है मैक्सवेल के बारे में, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी, तो मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें, पिछली वीडियोस भी देखें, उसमें भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रखी है टीम्स के बारे में। और चलिए, आप दोनों से फिर से मेरा एक सवाल है कि जहां एक तरफ एसआरएच है जो अपने जिसका पहला आईपीएल का हाफ बहुत अच्छा गया था, बट एज कंपैरिजन जो दूसरा हाफ रहा है या फिर क्वालिफायर मुकाबला रहा, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, और एक तरफ आरआर है जो लगातार पांच मुकाबले हारे थे और उसके बाद एक मुकाबले में जरूर उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है, जहां पे मुकाबला इंपॉर्टेंट बनता है वहां पे जीती है वो, जहां उनको पता है कि यार हमें जीतना है वो जीते हैं वहां पर। और आज भी जैसे जिस हिसाब से बटलर की अनुपस्थिति में, जिस हिसाब से सैमसन और रियान पराग, खासकर रियान पराग ने जिस हिसाब से संभाला है, आज भी हमें देखने को मिलेगा दोनों के 500 प्लस स्कोर है। आज देखिए क्या पता मैच खत्म होकर दोनों के 600 प्लस बॉलर्स नहीं मिले खेलने के लिए, पिछले मैच में बैंगलोर का बॉलिंग लाइनअप उतना अच्छा, पूरे सीजन ही उनको अच्छे बॉलर्स नहीं मिले, तो पैट कमिंस जैसे बॉलर्स आज जब रियान पराग के सामने बोल डालेंगे तो रियान पराग, पूरे सीजन ही रियान पराग को अच्छे बॉलर्स नहीं मिले। और आज हम देखेंगे भुवनेश्वर कुमार जब अपनी स्विंगिंग डिलीवरीज डालेंगे तो ना यशस्वी जायसवाल ना टॉम केलर कैडमोर जो आपके रिप्लेसमेंट आए हैं वो भी नहीं टिके। हम इस वीडियो में अक्सर चर्चा करते हैं कि दोनों टीम्स जो है उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप में क्या कंपैरिजन है, तो चलिए पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं दोनों टीमों की। देखिए इसमें तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इस सीजन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये एसआरएच फैंस ने तो बना लिया, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा यही दोनों में आईपीएल से वो खेले हैं, वो बाकी प्लेयर्स का ड्रीम है उस तरीके से खेलना, बाकी प्लेयर्स का ड्रीम है, बट जब उनको इम्पोर्टेंस थी, जब ये जरूरत थी, देखिए इतने बड़े टूर्नामेंट में एक दो मैचेस में तो प्लेयर्स का फेल, एक दो मैचेस की बात नहीं होती है, आरसीबी फैंस के लिए भी वही जो था कि आरसीबी का वैसे कोई बनता नहीं बात करने का, बट उनकी भी वही बात थी यार, हम छह मैच जीत रहे हैं, जिस मैच में मेन चलना है उसमें चले ही नहीं, सेम वही अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन से बैट्समैन ऐसे हैं जो आज उभर के आ सकते हैं? देखिए कोई सैमसन और रियान पराग के साथ साथ यशस्वी जायसवाल आज एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि पक्की बात है रन बनाएंगे,
और जयसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि बॉल किधर जा रही है, बॉल किधर नहीं जा रही है। उनको पता है, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेला, क्वालिफायर में भी उनकी अच्छी बैटिंग हुई थी, उसके बाद उन्हें पता है कि यार वर्ल्ड कप आ रहा है, अब मैं आईपीएल तो खेलूंगा ही खेलूंगा, वर्ल्ड कप के लिए भी ऐसी प्रिपरेशन करूंगा कि यही पैट कमिंस है जिसने हमें आगे हराया था, हमारी टीम को, दूसरी टीम को हराया था ओडीआई। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात तो दूसरी है, अभी तो जो टूर्नामेंट आईपीएल में बता रहा हूँ, जिस हिसाब से ट्रेविस हेड का आप कह रहे हैं, तो ट्रेविस हेड को कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारे पास भी लेफ्टी है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल, और आज वो ऐसी बैटिंग करके दिखाने वाले हैं कि सामने जो एसआरएच के बॉलर्स हैं, खासकर जो भुवनेश्वर कुमार की आप बात कर रहे हैं और पैट कमिंस की बात कर रहे हैं, टी नटराजन को हो सकता है कि टी नटराजन को फायदा हो, बॉलर्स की भी आप बात कर रहे हैं, इसी बीच मेरे आप दोनों से एक सवाल है कि जो चेन्नई में मैच होने वाला है वहाँ पे हमने पिच देखी है कि कहीं कहीं बॉलर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी, खासकर स्पिनर्स को, और ऐसे में क्या लगता है कि दोनों की जो टीम्स के बॉलर्स हैं किसको ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, किसके पास ज्यादा अच्छा लग रहा है? इस बारे में एक ऑब्जर्वेशन ये है कि चेन्नई में जो पिच थी वो अब तक सीएसके टीम के अकॉर्डिंग बन रही थी, जो कि टर्निंग विकेट बन रही थी, लेकिन इन दो मैचेस के लिए विकेट बीसीसीआई बनवाएगा, तो हो सकता है कि हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले और बॉलर्स को इतने मदद ना मिले, अगर बीसीसीआई नहीं मिलेगी उस विकेट तब भी जो नेचर होता है पिच का वो इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, और हमेशा माना जाता है कि ऐश अन्ना वहां के होम बॉय है, लेकिन आज होम बॉय की तरह नहीं खेल पाएंगे, बोला नहीं आगे मैंने क्योंकि मेरे को पता था क्या समझ रहे हैं, होम बॉय जो है वो आगे जाके विकेट लेगा, और आज यजुवेंद्र चहल और अश्विन ये दोनों ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि पक्की बात है अवेश खान और ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलकर अच्छी बॉलिंग यूनिट बनाते हैं। अभिषेक शर्मा ने हेनरिक क्लासेन जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, उन्होंने स्पिन को किस तरीके से खेला है, क्या उनकी ताकत है स्पिन के अगेंस्ट, बस एक मिडिल ऑर्डर देखेंगे आज हमें। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आज इस मैच में क्या होता है, और जो भी जीतेगा वो फाइनल में खेलेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। आपको क्या लगता है कौन आज जीत सकता है, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।